हेलो जी, आप सबको मेरा नमस्ते। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूँ रिंकी, यूपी ब्लॉग आगरा से। और सुबह के हो रहे हैं, सात हो रहे हैं और 7:15 बजे मुझे इसको लेके निकलना है। तो चलिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलें। अरे चल अपने जूता पहन, जल्दी सूट पहन। ठीक है, सब पिटवाऊंगी ऐसा करे। अच्छा कहाँ जा रहा है ये तो बता। ये है वो पानी की टंकी जो रास्ते में पड़ी है, काफी बड़ी है। यहाँ से तो बहुत छोटी दिख रही है, बहुत बड़ी है। शायद ये हमारे एरिया को पूरे को कवर करती होगी। हाँ, इंटरेस्टिंग। आई थिंक कुछ नहीं, आज मौसम बहुत मस्त है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है, कमाल का है। मस्त ऐसे ही रहे ना तो कोई भी आने के लिए मना ना करे। ये है स्कूल का नाम, सरस्वती शिशु बालिका मंदिर। हाँ, इंटर कॉलेज। सब जगह मंदिर क्यों लगता है? हमारे स्कूल में भी मंदिर लगा था 5वीं क्लास तक में। चलिए मैं अपना वाला टैशर भी दूँगी, एक सेकेंड। हेलो जी, आप सबको मेरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूँ रिंकी, यूपी ब्लॉग आगरा से। और मैं अभी अभी बेबी को छोड़ के आ चुकी हूँ और ये मेरे पीछे दरगाह है और मौसम बहुत मस्त है। तो चलिए घर पे मिलते हैं, बहुत मस्त है वाकई में। सो आज के दिन अगर आपका कोई प्लान ना हो तो घूमने का प्लान कर लो जी, बहुत ही मस्त है। शायद ही धूप निकले। और यहाँ मैं इसलिए ओपन कर लेती हूँ अपना मोबाइल क्योंकि यहाँ कम लोग आते जाते हैं। स्कूल की बैक साइड है इसलिए, फ्रंट साइड। सो आप भी देखिए, ये बाबा की दरगाह। खैर अच्छा है, रास्ते में तो मतलब 2-3 मंदिर पड़ ही जाते हैं, साथ में दरगाह भी पड़ी जाती है। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को ब्लैस मिलते मिलते जाते हैं स्कूल और मैं तो दिखा के भी जाती हूँ। ये बैठा है मंकी। तो चलिए घर चलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। हेलो जी, आप सबको मेरा नमस्ते। सुबह के हो गए हैं 11:30, अब होने आए 12:15। तो अब मैं चाय दूध वगैरह सब हो गया। आज मैंने चाय फैमिली बनाई दूध वाली, जो बाकी का है वो इसके पापा आके खाएंगे। और कुछ ड्राई फ्रूट मतलब रखे रखे उनमें क्या घुन लग रहा था तो मैंने वो हाथ साफ कर डाले। कुछ पिस्ता भी थे वो रख दिए, पता नहीं कहाँ रख दिए, अंदर रख दिए हैं। इसमें है थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और क्योंकि और हाँ, ये चावल भी इनमें भी मतलब क्या कुछ हो रही थी सुरगुरी वगैरह, तो इन्हें भी मैंने अभी ज़मीन में फैला दिए हैं जिससे वो निकल जाए। बाद में इनको झड़ा के रख लूँगी, ठीक है। और कपड़े वॉश हो रहे हैं, नीचे इतने धुल चुके हैं, अब ये काफ़ी हैं कपड़े, अभी दिख रहे हैं पर काफ़ी हैं इन्हें। फिर बर्तन भी साफ़ करने हैं क्योंकि नाश्ते का जो भी है। उसके बाद मैं अपना, जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं अपना झाड़ू पोछा कर लूँ क्योंकि अभी कपड़े धुलने में टाइम है, अभी एक बारी के और धुलेंगे। और ये इसका ना कुछ टाइम टेबल पल्ले नहीं पड़ रहा है, पता नहीं। टीचर कहती है पूरा कोर्स रखो, ठीक है पूरे कोर्स में, पर मेरे कभी कहती है कि इसका जो मंडे है वो हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट है, अब बोल रही है कि इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट है। मेरे ना कुछ शायद देर से समझ आएगी। तो यार बुक निकाली है और सो इसके पापा आएंगे, उनसे पूछूंगी ढंग से समझाओ मुझे, इतना ज्ञान नहीं है मुझे। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में आज। और सबसे पहले बाकी का सारा काम छोड़ के मैं सबसे पहले ये, जो कौन है भाई, कोई तो है, पता नहीं एकदम आवाज आई थी और मैं, हाँ हाँ कोई तो है, नमू नहीं है जो वोट मांगने आए हैं। Anyway, आप सुन रहे हैं कि
सुनते जो जो से लोहे लंगाड़े की आवाज़ आ रही है, आई मीन ढोल की, नॉट लोहे लंगाड़ा। सो हम थे ये सबसे पहले, मैं ऊपर वो बच्चों को डाल के आऊँगी, उनकी मम्मी पापा को भी। सो उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी, और जो मेरा बेबी है वो स्कूल से आ ही चुका है, और वो अब सिर्फ टीवी देखने गया है। और इसके लिए ना आज मैं फोन पेपर लेके आई, क्योंकि मुझे रोटी रखने में, इसका जो पराठा रखने में भी दिक्कत होती है, और कागज़ में अच्छा नहीं लगता। सो रोल बना के यही सोच रही है, मिलती हूँ सारा काम फिनिश करने के बाद। और एक बार मुझ पर भी बताऊँ, हाँ मैं दिख रही हूँ यार, ऐसे पकड़ के भी ब्लॉग बना सकते हैं, उल्टा पकड़ा हुआ मैंने। चलिए तो मिलते हैं आगे, बाय। सो मैं अभी अपना जो ब्लॉग है वो बैक करके देखने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं ऊपर जाऊँगी, पर कोई नहीं, मैं आपको भी झलक दिखा दूँगी उन बच्चों की। सो चलिए पहले मैं ऊपर चलूँ, उसके बाद मैं अपना बाकी का काम कर देती हूँ। सो बच्चे कितने गए? इतना इम्प्रूवमेंट हो गया इनमें, देखो। अब मैं इसकी मम्मी के लिए और इनके लिए पानी भी रख देती हूँ यहीं कहीं, और खाना भी। तो चलिए इन दोनों में से एक को लेते हुए यहाँ पानी भर कर रखते हैं। चलिए आइए। आओ, पतंग काफ़ी थी, आंटी के बेटे को दे दी, पहले धो लूँ, बहुत गंदा हो रखा है। से वो पानी पी सकती है। और चलिए इनकी मम्मी एक और बार इनकी हाय डीपी ले लूं। ये देखिए, आहा, बड़े मलुक से लग रहे हैं, खूबसूरत से। और देखिए ये काफी, पता नहीं एक लड़की एक लड़का होगा शायद, पता नहीं, या मेल फीमेल। आधी कटोरी से कम रिफाइंड ऑयल, तेल जो भी हो आप ले सकते हैं।
करते हैं फ्राई करने के बाद में दिखाती हूँ आगे क्या करेंगे, ठीक है। और इसका नाम क्या है, सस्पेंस है, बनने के बाद ही बताओगे, अगर कोई पहचान सकता है तो पहचान लेना क्या है। मेरे ये गर्म हो चुके हैं, ये मैंने बनाई है अपने लिए आलू की चटनी टमाटर की, आलू कद्दूकस करके और टमाटर कुछ मसाले हैं बस। सो ये हो गई है और इनको डीप फ्राई करना है और इसको गोल्डन ही रखना है, डार्क गोल्डन नहीं ना हल्का गोल्डन, डार्क टाइप मतलब कचौड़ी होती है उस टाइप। और मैंने इतनी बनाए कि इसी बारी में सीख जाए, दूसरे बैग की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि रात का टाइम है, 10 बजने को आए हैं। तो चलिए इनको गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि शक्ल कैसी लग रही लगेगी। ये मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दी है फ्लेम की फ्लेम, तो हम गोल्डन होने देती हूँ धीमी फ्लेम पे। डला डला रहते रहते इनको आधा घंटा हो गया इसमें, मैंने धीमी फ्लेम पे रही हैं और ये इतनी अच्छी हो गई हैं जैसे हम पिन्निया नहीं बनाते हमारे में तो खुरमी कहते हैं, ठीक है, उन्हीं की तरह हो गई हैं। अगर इन्हें मैं डाल दूँ ना अभी चाशनी में तो ये पी भी लेंगी, तो इतनी सॉफ्ट हो गई हैं अंदर से बहुत ज़्यादा। गैस कर नहीं है तो फिलहाल इसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद मैं कट करूँ इसको। हम देख रहे हो आप, दिखाया नहीं मैं ये पीस रही हूँ, देखिए है मिक्सी जार में पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसके चक्कर में मैं आपको कैमरा चलाना भूल गई, तो यहाँ मैंने सिर्फ इस चूरे में चीनी मिलाई है कैनेडा और इसने किया फ्राई किया है। मैं आपको ये मेरा बन के कम्प्लीट हो गया और इसमें मैंने 2-3 चम्मच घी के डाले ऊपर से। और एक सेकेंड, और देखो एक चीज़ कमाल की चीज़ दिख रही है आपको, इसने ये क्या किया, चप्पल में पोटैटो फिट कर दिया है। बहुत मारूंगी लल्ला, ये बहुत निकम्मी औलाद है। खैर मैं ना एक सेकेंड मैं कर इसको दे दूँ और नाम डाल दूँ जो बड़े बुरे की है। और मैं ना बस 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 भैया बस रुक जा। ये आपके ऊपर है कि आप इसमें ड्राई फ्रूट जो भी चाहे आप डाल सकते हो, जो भी चीज़ चाहे आप डाल सकते हो। मैंने सादा बनाया है और ये मैंने इसके स्पेशली स्कूल के लिए बनाया है और मेरे पास ड्राई फ्रूट नहीं, पर कोई नहीं है, बहुत हेल्दी बनाया मैंने और आटे से और इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो भी खाए इसका लल्ला कैसी है, नहीं ये हप्पा कैसा है, हप्पा खाऊ कैसा है टेस्टी है कि नहीं, ये हप्पा कैसा है ये बताओ, टेस्टी है, अच्छा है, थैंक यू बोलो।